नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आचार्य देव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की कुंडली पे जो बहुत चर्चित हैं। राजनीति में कोई व्यक्ति उनका नाम ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। मीडिया में उनकी बातें बहुत होती हैं, सरकार उनके हर कदम पे नजर रखती है। वक्त ऐसा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन गलत डिसीजन की वजह से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको बना देते थे, लो भैया तुम राष्ट्रपति बन जाओ। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि आज रोड पे टहलना पड़ रहा है, खेत में घुसना पड़ रहा है, ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी जी की कुंडली पे। क्या ऐसे योग बने? राहुल जी प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा होकर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? पहला पॉइंट। दूसरा, इनके कुंडली में चूंकि मीडिया में जो इनके लिए प्रोग्राम बनाया गया, ये राजनीतिक कम हास्य कलाकार ज्यादा लगते हैं। मीडिया जिसको चाहे वैसे बना सकती है। इनके कुंडली में राजनीति का योग कब है, क्यों असफल हो रहे हैं, सफलता ना प्राप्त करने के पीछे कारण क्या है, और भविष्य में कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, 2024 इलेक्शन में कैसा कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, आप व्यक्तिगत किसी के या प्रशंसक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, यहाँ पे बातें कुंडली के अनुसार। तो राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970, 14 बज के 28 मिनट राजधानी दिल्ली में मूल नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है। किस नक्षत्र में? मूल। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, दो तरह की कुंडलियां मिलती हैं, एक मकर लगन की, दूसरा तुला लगन की। मकर लगन की कुंडली होने में थोड़ा संदेह है, लेकिन तुला लगन की कुंडली 100% इन्हीं की है, क्योंकि इसमें पितृ सुख, पिता का सुख में कमी दिखाई देती है, और पिता के सुख में कमी है, ठीक है ना। मातृ सत्ता की अधिकता दिखाई देती है, मतलब माता द्वारा ही सब कुछ होगा, वो यहाँ पे मिल रहा है। राहुल गांधी जी तुला लगन के जातक हैं और पुष्य नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है, तो पिता के लिए समृद्धि कारक होते हैं। ऐसे लोग पैदा होने के बाद पिता के लिए समृद्धि देने वाले होते हैं, लेकिन पुष्य का प्रभाव होता है कि पुष्य पिता का पूर्ण सुख नहीं देता। आप 100 कुंडली उठा के देख लो, 80 कुंडली में चीजें मिल जाएंगी, 10-5 लोग अपवाद हर जगह हो सकते हैं। तुला लगन में गुरु वक्री होके बैठे हैं, पॉइंट यही समझिएगा। अवक्री जो गुरु होता है वो ज्ञान बहुत देता है, ज्ञान बहुत देता है भाई, पता हो या ना पता हो, लेकिन ज्ञान हर जगह देता है। तो राहुल जी क्या है, ज्ञान सबको बहुत देते हैं, पता हो या ना हो, ठीक। और चूंकि ये छठवें भाव का कारकत्व लेके बैठा है, तो आप ज्ञान के माध्यम से अपने बेवजह के ज्ञान देने के माध्यम से ऐसी बातें बोल जाएंगे जो हास्यास्पद होगा, ऐसी बातें बोलेंगे जो हास्यास्पद होगा। अब इनके आप लेक्चर सुनिए, महाभारत में दृष्टि थी क्या, तपस्या को लेके, शिव जी को लेके, ऐसे ऐसे उठपटांग बयानबाजी करते हैं जिससे बीजेपी को जीतने के लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। इन्हीं का प्रोग्राम को प्रसारित करते रहे तो लोगों को लगता है यार ये तो आदमी लल्लू है, और इसी वजह से इनको शायद पप्पू नाम भी दे दिया गया इन्हीं हरकतों की वजह से। गुरु वक्री है छठवें भाव के, मतलब शत्रुओं को बार बार मौका दोगे, बार बार मौका दोगे आप शत्रुओं को बोलने का या शत्रु को अपने ऊपर हावी होने का। आप बड़ों को भी हर जगह सिखाते हुए नजर आएंगे, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उम्र का लिहाज कम रहेगा, मतलब वो अगला व्यक्ति बड़ा है आप उसको, जैसे कि अक्सर आप देख लीजिए, हाँ भाई कमलनाथ बताओ, अब कमलनाथ उनके पिता के उम्र के हैं लेकिन बोलेंगे हाँ कमलनाथ बताओ, ये वक्री गुरु का प्रभाव है। हालांकि वक्री गुरु
थर्ड हाउस का कारक है, लगन में बैठा है तो मेहनत तो कराता है लेकिन मेहनत उल्टा पुल्टा हो जाती है। राहु इनके पंचम भाव में है, सत्विशा नक्षत्र के, अच्छा नक्षत्र है। राहु केतु सदैव वक्री ही चलते हैं। राहु बहुत सुंदर फल देता, मतलब इनकी मेधा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जहां से लोग सोचना बंद कर दे वहीं से सोचना इनको आरंभ करना चाहिए था। पॉइंट क्या है? चाहिए था। हम जिसके घर में बैठे हैं वहां पे संभावनाएं बहुत अच्छी हैं कि हम अच्छा कर पाए, हम ऐसे स्कूल में चले जाएं जहां पे रिजल्ट 100%, लेकिन हमारे जाते ही वहां का व्यक्ति बीमार हो जाए, वहां का व्यक्ति दुर्गुण में फंस जाए, अवगुण में आ जाए, तो हमें वो लेके डूब जाएगा। शनि महाराज इस कुंडली में नीच के हो गए हैं तो राहु आप बैठ के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ भ्रम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भ्रम। पंचम भाव जनता के प्रेम का है, जनता के प्रेम के घर में जब राहु बैठेगा तो राहु जनित लोग ही आपको प्यार करेंगे। कौन प्यार करेंगे? राहु जनित लोग, जो इनके आसपास रह रहे हैं ना, टोटल राहु जनित लोग हैं, सिर्फ मौका देखते हैं मेरा क्या हो सकता है, कोई इनके लिए करने वरने वाला नहीं है। अब इनके जो समर्थक होंगे उनको बुरा लगेगा, नहीं सच्चाई यही है, वो अपना पेट पाल रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो वाली रणनीति है, जिस दिन उनको आवश्यकता पड़ेगी देख भी लीजिए, वर्षों वर्ष के साथ ही इनका साथ छोड़ के चले जा रहे हैं, बस बढ़िया से आफत की आवश्यकता है। शनिदेव इस समय 2024 में चाहते हैं कि 2019 की अपेक्षा इस बार इनकी सीटें बेहतर हों, इनके सीटें बेहतर हों, लेकिन इनकी कुंडली प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी ये कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं है, तो इनकी कुंडली सपोर्ट करेगी, प्रभाव नहीं डालेगी। अगर इस समय ये कांग्रेस अध्यक्ष होते तो 2019 के अपेक्षा 2024 में ज्यादा सफलता प्राप्त करते, लेकिन ये कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं है। चलिए और बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं। शुक्र इनके कुंडली में बोलता है कि नहीं, एक दिन बड़े पद पे, उच्चतम पद पे आपको बैठाएंगे, क्योंकि शुक्र पुष्य नक्षत्र का है, वो बैठाएगा। सूर्य मंगल, सूर्य इनके लाभ के स्वामी हैं और मृग शिरा नक्षत्र में है, लाभ तो आपको होगा लेकिन आप मृग जैसा आचरण कर दोगे, कब क्या बोल जाओ, कब कहां जंप कर जाओ, कब क्या कर लो। अब देखिए इनके कुंडली में ज्येष्ठा और मूल का प्रभाव है, ज्येष्ठा से अपेक्षा मूल का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा कुछ बोल जाते हैं, ऐसी जड़वत बातें कर जाते हैं जिससे लोग इनको पप्पू बोलना शुरू कर दिए। आपका जो नामकरण किया जाता है समाज में वो आपके कार्यों की वजह से किया जाता है, आप जैसा काम करोगे वैसे आपका नाम, कोई ज्यादा फेंकता है तो उसका नाम फेंकू रख दिया जाता है, कोई इस तरह बेवकूफी वाली बातें करता है तो उसको यथा नामा तथा गुण। यहां पे सूर्य नारायण एक जगह है ही नहीं, सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, आप किसकी बात को कब पकड़ लो कुछ पता ही नहीं चलेगा। वाणी का स्वामी, व्यापार का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में है, इस पॉइंट को जरूर पकड़िएगा। वाणी ऐसी रुला देगी, वाणी ऐसी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, ठीक है ना, इनकी वाणी जो है ना ऐसी ये बोलेंगे कि पूरी पार्टी रो देगी, पूरी पार्टी बोलेगी यार क्या क्या बोल दी, अब चूंकि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं भाई, इनके यहाँ प्रधानमंत्री ही पैदा होते थे। जैसे कुंडली में ग्रही दशा खराब हुई तो ये धीरे धीरे क्या है, इनको ऐसे बोलते हैं रोड पे आ जाना, रोड पे आ गए, नहीं जो लोग एरोप्लेन में बर्थडे मनाया करते थे आज वो गाड़ी खोल रहे हैं, ऑटो पे चल रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ चल रहे हैं। कभी कल्पना भी कर सकते थे कि गांधी परिवार का कोई बच्चा ट्रक पे चलेगा, लेकिन महादशा ने ये करा दिया। 2012 में मंगल आए और मंगल आर्द्रा के चले, रुला दिया, 2012 से ही रोना शुरू कर दिया, 2012 से इनके कर्तृत्व वक्तव्य ये सब ऐसे रहे कि रोना शुरू कर दिए। 2019 तो खूब रुलाया इन्होंने अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, इनके जो बयानबाजी हैं, 20 रुपए लीटर आटा इन्होंने दे दिया,
आलू से सोना बनाना या कोयले से तरह तरह के उठपटांग बयान, क्यों? मंगल की वजह से। अभी राहु महाराज स्टार्ट है 22 मई 2024, 22 मई 2024 यहां पे इलेक्शन हो जाएगा के बाद जो समय आएगा वो इनके लिए प्रबल रहेगा। अगर यह इलेक्शन बाद में जाता तो राहुल गांधी को सफलता निश्चित रूप से ज्यादा मिलती। अभी जो सफलता है छोटे आयाम पे मिल रही है, बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली अभी साइड में इसलिए भी चली जाएगी कि अध्यक्ष तो ये है नहीं, अध्यक्ष खड़गे जी है। अब खड़गे जी भी इन्हीं जैसे हैं, आप उनका बयानबाजी सुनो ना तो लगभग वैसे ही हैं, ऐसे चयन ही हो रहा है, क्योंकि इनको जो मित्र मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। 2024 मई के बाद ये ग्रोथ कर रहे हैं, कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? एक प्रश्न मैंने आपसे कहा था, कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? राहु आर्द्रा सतविशा का है, सतविशा सबसे खूबसूरत नक्षत्र है, जनता का प्यार है। देखिए इनके कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने का योग एक जो बनेगा 2029 में एक योग बनेगा 2029 में, हो सकता है पहले किसी और को बनाया जाए, फिर नवंबर 2030 में ये बनने की इनके प्रबल योग बन रहे हैं। नवंबर 2030 से नवंबर 2033 के बीच में अच्छा योग बन रहा है, यहाँ पे योग बन रहा है, 100% श्योरिटी नहीं है। अगर यहाँ बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं बनेंगे, जो कुंडली इनकी कह रही है, ठीक है ना, हम कुंडली के आधार पर बात कर रहे हैं। अभी इनके कुंडली में 20 मई 2024 के बाद इनकी ग्रह स्थिति ऐसी आ रही है कि सरकार की आलोचनाओं या सरकार के को पॉइंट टू पॉइंट ये कवर करेंगे और सरकार को फंसाएंगे। कुछ जगह आने वाले समय में जो प्रदेशों में चुनाव होगा उस प्रदेशों में इनकी बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई योग इनके कुंडली में नहीं है, मतलब नहीं है, बनेगा एक योग 2029 और खासकर 4 नवंबर 2030 से 4 नवंबर 2033 के बीच योग बन रहा है। यह योग तभी क्रिएट होगा जब राहु ठीक से एक्टिव होगा, इनका राहु ही गलत ढंग से कुंडली में बैठा हुआ है, जनता के प्यार के घर में बैठा है। जब भी मुंह खोलोगे कुछ ऐसा बोलोगे जनता दूर हो जाएगी। इनके जो एडवाइजर हैं, क्योंकि गुरु जो है पराक्रम के स्वामी होके, मित्रों का स्वामी होके, मित्र का स्वामी होके बैठा हुआ है, जाके लगन में मिस गाइड करने वाले हैं, क्या है? मिस गाइड करने वाले हैं, वक्री है, उल्टा सलाह देने वाले हैं। इनकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत खराब है, इनके अपने लोग दुखी हैं और ये स्वतः से दुखी हैं, इसलिए अगर इनको जीवन में सफलता चाहिए तो इनको, हालांकि पता नहीं ज्योतिषी पे विश्वास करते तो सभी हैं, ज्योतिषी पे विश्वास तो सभी करते हैं, हाँ सामने से बुराई भी लोग करते हैं, पाखंड है ये है, लेकिन सभी पीछे पीछे जाके हमारा भविष्य बता दीजिए। तो इनको एक एमराल्ड और एक नीलम पहन के रखना चाहिए, उससे इनकी बुद्धि शुद्ध होगी, वाणी पे कंट्रोल होगा, कब कहाँ क्या बोलना है, गुरु या गुरुतुल्य लोगों से। यही एक दोस्त राहुल गांधी को हो सकता है पूरे जीवन प्राइम मिनिस्टर या बड़े पद पर ना बैठने दे, गुरु इनके लगन में बैठा है। जब तक गुरु या गुरुतुल्य लोगों का सम्मान आप नहीं करोगे ना, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लग्नस्थ गुरु अक्सर ही अपने बड़े लोगों को, बड़े जो इनसे उम्र में बड़े हैं उनको नाम लेके मैं पुकारते हुए इनको सुना, ठीक है ना, बड़े बड़े लोगों को जो उम्र में बहुत बड़े हैं। अगर ये मनमोहन सिंह जी कोई मनमोहन बोल दिए हों तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना कि हम प्राइम मिनिस्टर तो हमारे यहाँ ही पैदा होते हैं। जब तक ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी में बड़ा पद नहीं पाएंगे। अब इनके जो चमचे टाइप लोग हैं, जो इनके पथ दर्शक हैं, मैं चमचा ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप अपने लोगों को सही सलाह नहीं दे सकते तो सिर्फ आप चमचे ही हैं। मूल का प्रभाव ज़्यादा है, इनको अपने मूल पर रहना चाहिए, इनको ये जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म में ये पैदा हुए हैं, उस धर्म को ही लेकर चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलत ट्रैक चुन लिया है। अब आप ऐसे व्यक्ति के ट्रैक पे खेल रहे हो जो उस ट्रैक का मास्टर है,
आप चंदन लगाते हो वो भस्म लगा के बैठा है, आप यात्रा कर रहे हो वो समाधिस्थ है, वो यात्रा करके आ चुका है। इन्हें अपने धर्म पे स्थित रहना चाहिए। ये जो बार बार कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी माला लगा लेते हैं, कभी क्रॉस पहन लेते हैं, दरअसल ये अगर अपने धर्म पे रहेंगे, जो इनका धर्म है, ये जो आवरण है वो धर्म ही नहीं है इनका। कुंडली में मूल का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए मूल का गुरु तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मूल में जाओ। और अगर मैं बोलूं ना कि धर्म सारे बराबर होते हैं, यह दरअसल झूठी बात है। धर्म बराबर हो ही नहीं सकता। सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ये मूर्खतापूर्ण लोग बात करते हुए देखे जाते हैं कि धर्म सब बराबर है। हिंदू के अलावा आप किसी को नहीं बोलोगे, कभी क्रिश्चियन धर्मगुरु को ये बोलते हुए नहीं सुनोगे कि सारे धर्म बराबर, किसी मौलवी को बोलते हुए नहीं सुनोगे कि सारे धर्म बराबर, किसी बौद्धिस्ट को बोलते हुए नहीं सुनोगे। या मूर्खता सिर्फ हिंदू करता है, सब धर्म बराबर है, भाई भाई, कोई भाई भाई नहीं है। ये जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के अनुसार आचरण करें तब इनकी कुंडली जाएगी सुधर। लेकिन चूंकि अब परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई हैं, दूसरे के पिच पे खड़े होकर बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं और अपने धर्म में जाएंगे तो बहुत सब वोट बैंक कट जाएगा। इसलिए मूल धर्म को छोड़ के, जो इनका मूल धर्म है उसको छोड़ के ही बाहर भ्रमण कर रहे हैं। तो इनकी कुंडली में भाई 2029 में कुछ अच्छा बेहतर करने का योग है, 30 के बाद बड़े पद पे जाने का योग है। किंतु अगर गुरु इनका यही रहा तो पूरी जिंदगी ये फिर भ्रमण ही करते रहेंगे। राधे।